ब्रह्म कुमारी राज ऋषि भवन में 2 दिवसीय श्री कृष्ण की लीलाओं की चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दुर्ग पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। ब्रह्मा कुमारी राज ऋषि भवन केलाबाड़ी दुर्ग में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण की लीलाओं से चैतन्य झांकी का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। वहीं इस झांकी का शुभारंभ डॉक्टर अभिषेक पल्लव, दुर्ग पुलिस अधीक्षक, रीटा बहन संचालिका ब्रह्मा कुमारी व रूपाली बहन के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहे किसी को स्पष्ट करते हुए ब्रह्मा कुमारी रूपाली बहन ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण को देवकी का 8वां पुत्र बताया गया है, जिनका जन्म मध्य रात्रि कारागृह के अंदर दिखाया गया है, जिसका अर्थ परमात्मा समझते हैं। कलयुग के अंत में जब सभी मनुष्य आत्माएं देह अभिमान से वशीभूत हो जाती हैं, तब वह देह रूपी कारागृह से अपने आप को बंधन में महसूस करती हैं। इस समय निराकार परमपिता परमात्मा शिव देह अभिमान से मुक्त कर सर्व आत्माओं को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का यादगार है। भगवान श्री कृष्ण सतयुग के प्रथम महाराजा कुमार हैं, जिनकी सतयुग में 8 गद्दी चलती है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वास्तविक रहस्य है, जो परमात्मा आकर भी सुनते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।